नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बकबक में। दोस्तों, जब भी आप आउटडोर में वीडियो शूट करते होंगे मोबाइल के द्वारा या DSLR के द्वारा, तो आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज सुनने को मिलता होगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और आपके वीडियो में जो बैकग्राउंड में नॉइस है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या PC में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, ऑडियो सिटी, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। 20 MB का सॉफ्टवेयर है, आपको गूगल पे बस ऑडियो सिटी लिखना है, आपको मिल जाएगा, विंडो में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद से जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भी कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको इसका यूज नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद से दोस्तों, आपने जो वीडियो फाइल बनाई है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू कैसे आप वीडियो फाइल को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे या ऊपर भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे आप वीडियो फाइल को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद से आपको उस फाइल को यहाँ पे ड्रैग करना है। याद रखिएगा, वीडियो फाइल अगर आप यहाँ ड्रैग करेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ MP3 या ऑडियो फॉर्मेट की फाइल को सपोर्ट करता है। अब जैसे मैंने एक वीडियो फॉर्मेट को कन्वर्ट किया ऑडियो में, इसे उठा के मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा। ये देखिए, जब आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, छोटा सा एक आपको सजेशन दे दूँ, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए तो अपना अपनी स्पीच बोलने से पहले 10 सेकेंड 12 सेकेंड तक चुप रहिए। चुप रहने से जो पीछे का बैकग्राउंड नॉइस है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और ये सॉफ्टवेयर समझ पाएगा कि आपकी वॉइस और नॉइस जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ऐसा ज़रूर करिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है तो करीबन 10 सेकंड तक मैं चुप रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ नीचे आपको यहाँ पतला दिख रहा है लाइन, और यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। देखिए करना क्या है, इसको पॉज कर दीजिए एंड आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जितना आप स्टॉप रहे थे, नहीं बोले थे, उतना एरिया आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये आइडियल तरीका है परफेक्टली इसको रिड्यूस, मतलब कि नॉइस को कम करने का। सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे इफेक्ट पे आना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ये देखिए नॉइस रिड्यूशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉइस रिड्यूशन जो है वो 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अगर 14 से कम या ज़्यादा है तो आप उसे चेंज कर लीजिए, इसे 14 ही करिएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से भी आप इसको 14-15 को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन इसको 14 ही रखिएगा। और यहाँ पे आपको गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद से दोबारा आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है और फिर उसी ऑप्शन पे नॉइस कैंसिलेशन पे आना है और इसको 14 कर देना है। आप यहाँ मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे आपको ओके कर देना है। ये देखिए पतला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आपको इस पूरी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर समझ चुका है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस और नॉइस क्या है। फिर आपको इफेक्ट पे आना है, फिर वही आपको स्टेप फॉलो करना है, 14 रहने दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ये देखिए पतला हो गया, इसको आप प्ले करके सुन सकते हैं। अगर आप सुन पा रहे हो तो आप सुनेंगे कि इसकी पीछे के बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको फिर भी सुनने में लगता हो कि थोड़ी बहुत नॉइस है, तो एक बार दोबारा आप इसी स्टेप को फॉलो कर दीजिए, मतलब स्टेप को दोबारा से कर दीजिए, तो पूरी तरह से बैकग्राउंड की नॉइस ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं, चेंजेस भी देख सकते हैं इस ग्राफ में। तो कुछ इस प्रकार से ऑडियो सिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बैकग्राउंड नॉइस ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, और घंटे का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली मैं ऐसी टिप एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।